नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे था वो हट गया है। अब सीपीटी और डीईएससी मतलब कि जो एसएससी सीजीएल टायर 4 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कहने का मतलब है कि 2017 का जो एसएससी सीजीएल है उसका फर्दर प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो वर्षोर टायर 4 प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये टायर 4 में होता क्या है, डीईएसटी होता है और सीपीटी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल्स टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसका जो नया बैच है, इसका जो प्रारंभ है वो 11 मई से स्टार्ट होगा। डे वाइज प्रोग्राम होता है, जो भी हमारी जॉब अश्योर सीरीज होती है वो डे वाइज प्रोग्राम से रिलेटेड होती है, तो जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर पाए, इसलिए ये जॉब अश्योर सीरीज डे वाइज प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाता है। अब देखते हैं इसमें होगा क्या और ये क्या है डीईएसटी, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। Why and what is Tier 4? जैसा आप जानते होंगे कि पहले Tier 1 होता है, उसके बाद Tier 2 होता है, Tier 3 2017 डिस्क्रिप्टिव पेपर था और अब उसके बाद में Tier 4 होगा। Tier 4 में एक स्किल टेस्ट होता है या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी जिसको बोलते हैं या स्किल टेस्ट डीईएसटी बोलते हैं, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये फाइनल स्टेज होती है एसएससी सीजीएल के प्रोसेस की। जो स्किल टेस्ट होता है जिसको हम डीईएसटी भी बोलते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें 8000 की इंप्रेशन होते हैं, की डिप्रेशन होते हैं पर आवर में, एक घंटे में। लेकिन एसएससी क्या करती है, 15 मिनट में आपको टाइप करने के लिए बोलती है और 2000 डिप्रेशन, लगभग 30 के आसपास की स्पीड होती है, 30 वर्ड्स पर मिनट के आसपास अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 2000 डिप्रेशन अब 30 में भी हो सकते हैं, 32 में भी हो सकते हैं, 35 में हो सकते हैं, पैराग्राफ पे डिपेंड करेगा। ये इतने डिप्रेशन जरूर आपके होने चाहिए और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है इसमें, वो होती है स्पीड के साथ में एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी करेक्ट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या स्पीड तो कर लेते हैं लेकिन एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ जाती है। और जो स्किल टेस्ट होता है डीईएसटी, टाइपिंग वाली बात करूँ मैं, तो ये टैक्स असिस्टेंट के लिए होती है, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो या इनकम टैक्स हो। अब देख लेते हैं इसके अलावा और ये जो होगा स्किल टेस्ट टायर 4 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रीजनल ऑफिस बताएगा। रीजनल ऑफिस के अंदर होता है ये, और कब रीजनल ऑफिस बताएगा, जब ये टायर 3 का रिजल्ट आ जाएगा, टायर 2 का पूरा, टायर 1 टायर 2 टायर 3 मिलाकर स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 47,000 स्टूडेंट है वो टायर 3 में आए थे, अब 8-9 हज़ार या 10 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, इसका मतलब 20% स्टूडेंट है उनका फाइनल सिलेक्शन होगा जॉब के लिए। और उसके लिए पहले क्या है, डीईएसटी होगा, डीईएसटी और कुछ जॉब के लिए होगा, 40% जॉब के लिए डीईएसटी या सीपीटी में होता है, हम देखेंगे आगे कौन कौन सी जॉब है वो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि 40% जॉब से स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं अगर सीपीटी या डीईएसटी उनका क्वालिफाई नहीं होता, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, अभी तक जो 3 स्टेजेस हुई थी वो स्टेजेस हैं, वो उसकी नंबर काउंट हो रहे थे, मार्क्स काउंट हो रहे थे, लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाई करना इसको इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट क्या इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते, और खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी, 500 प्लस मार्क्स होने के बावजूद भी उनको मनपसंद जॉब नहीं मिल पाती, या फिर वो जॉब से वंचित भी हो सकते हैं अगर अच्छे मार्क्स भी हैं, लेकिन आजकल कॉम्पिटिशन बहुत है, थोड़े थोड़े मार्क्स का डिफरेंस ही रहता है जॉब में, तो उसकी वजह से बाहर भी हो सकते। अगला टेस्ट होगा सीपीटी 4 पोस्ट के लिए होता है, और वो कौन कौन सी 4 पोस्ट है, वो है, एक होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और असिस्टेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। 4 पोस्ट के लिए आप बोल सकते हैं, हायर लेवल की पोस्ट है ये चारों, उनके लिए सीपीटी होगा। सीपीटी में क्या आता है, टाइपिंग के अलावा, एमएस वर्ड के अलावा आपको एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब जनरेशन ऑफ स्लाइड, पावरपॉइंट, ये पावरपॉइंट और एक्सेल ये भी आना चाहिए। आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि डीईएसटी होता है वो होता है डाटा एंट्री से रिलेटेड, टाइपिंग टेस्ट होता है,
और जो सीपीटी होता है वो टाइपिंग के साथ साथ में पावर पॉइंट और एक्सेल का भी टेस्ट होता है, और ये चार पोस्ट के लिए होता है। कितने? दो पोस्ट के लिए होता है। जो अभी तक वैकेंसी दी हुई है उस वैकेंसी पर नजर डालें तो सीबीटी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 1714 है टोटल, अगर 8000 वैकेंसी अभी फिलहाल दिखाई गई है जो 2017 के लिए होगी। तो हालांकि फाइनल लिस्ट आनी है, लेकिन फाइनल लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार बढ़ सकती है। टैक्स असिस्टेंट होते हैं उनकी वैकेंसी भी काफ़ी होती है, देखिए आप यहाँ पे 2600-2700 वैकेंसी आसपास है। और DOPT इन बाकी जो चार वैकेंसी चार पोस्ट और हैं उनको मिला दिया जाए तो टोटल 8089 में से 3260 वैकेंसी है, लगभग 40% के आसपास उसमें DEST और CPT की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन इस DEST और CPT पे ध्यान नहीं दिया तो 40% जॉब आपके हाथ से जा सकती है, भले ही आपने टायर वन टायर टू टायर थ्री में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। अगर पीछे का रिकॉर्ड देखें तो देखिए ये इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट बाहर होते हैं। देखो 27% एरर है, किसी के 24% एरर है, किसी के 5% एरर है, किसी के 24%, किसी के 11% 8% एरर। आमतौर पर 5% से ज़्यादा एरर है वो नहीं होने चाहिए। ऐसे ही अगर देखिए, अगर मान लो ये टाइपिंग वाला क्वालिफाई हो जाता है तो आपको उनका भी क्वालिफाई ज़रूरी है, अगर चार पोस्ट के लिए फाइट करना है हायर वाले के लिए एक्सेल और पावर पॉइंट, तो उनमें से 89 वाला है, 80 वाले हैं, 80 वाले हैं, मतलब 20-20% की मिस्टेक हो रही है, एरर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरर है। आप बोल सकते हैं कि जब तक कि इनको सीरियसली नहीं लिया जाएगा और जैसे एग्जाम होता है, जैसे SSC की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से अगर तैयारी नहीं करते हैं तो एग्जाम में गड़बड़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि टाइपिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता है, स्पीड भी होता है मुद्दा, लेकिन स्पीड तो कर लेते हैं फिर भी स्टूडेंट, एक्यूरेसी में मार खा जाते हैं, वो एरर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो जो पिनेकल का सॉफ्टवेयर है वो आपको एक्यूरेसी भी बताता है, आपकी स्पीड भी बताता है, आपके एक्चुअल ड्यूरेशन भी बताता है, एरर भी बताता है। जैसे एग्जाम होता है उसी के अनुसार ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, जिससे स्टूडेंट अगर इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और 2000 जो की डिप्रेशन उसी के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं, 50 मिनट्स के टाइम के अनुसार ही प्रैक्टिस करते हैं, तभी एक्चुअल में आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आप 98% एक्यूरेसी रखते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, और वो लगभग 1-1.5 महीने में आप आराम से अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये टाइपिंग टेस्ट होते हैं, टाइपिंग वगैरह होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कई स्टूडेंट हैं वो हमेशा सोचते रहेंगे कि टायर थ्री का रिजल्ट कब आएगा, और ऐसे स्टूडेंट आमतौर पे क्या गड़बड़ करते हैं कि इसकी तैयारी नहीं करते और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद टाइम कम होता है। इतने कम टाइम में टाइपिंग नहीं की जा सकती, टाइपिंग के लिए टाइम चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस है, आप कोई टाइपिंग याद नहीं कर सकते, टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी वाली, और ऐसे ही पावर पॉइंट और एक्सेल के लिए भी अप्लीकेबल है। पिनेकल ने जो विश्वविद्यालय प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, 12 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम सिस्टमेटिकली डिजाइन प्रोग्राम है ये, उसके अनुसार डे वाइज प्रोग्राम है, स्किल बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि टाइपिंग कर सकते हैं आप, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50 टेस्ट एक्सेल के होंगे, 50 टेस्ट है पावर पॉइंट के होंगे जो CPT ज्वाइन करता है। एग्जाम पैटर्न पे उसका PDF सॉल्यूशन भी होगा, वीडियो सॉल्यूशन भी होगा, और जो पेपर होंगे ये टेस्ट होंगे इनका हम लोग पिनेकल की टीम है वो इवेलुएट करेगी, जैसे टायर थ्री के पेपर हम लोग इवेलुएट करते हैं वैसे ही टायर फोर के पेपर भी इवेलुएट होते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन सी मेजर मिस्टेक कर रहे हो या कौन कौन सी आप फ्रिक्वेंट मिस्टेक कर रहे हो जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और ये कोर्स करने के बाद में इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आपका ये टायर फोर है प्रोग्राम क्वालिफाई न हो, क्योंकि हमने पूरा अच्छी तरह से डिजाइन किया है, साइंटिफिक डिजाइन है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप डे वाइज प्रोग्राम फॉलो कर लेते हैं तो आपको जॉब से रोकने में कोई नहीं रोक सकता। आपको ये ज्वाइन कैसे करना है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे SSCCGLPinnacle.com, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में CPT प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर आप जो चार पोस्ट ऊपर वाली टाइपिंग पावर पॉइंट और एक्सेल ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अगर आप ये ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं टाइपिंग करना चाहते हैं सिर्फ, तो ये भी टाइपिंग भी आप कर सकते हैं सीधा टाइपिंग। इसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं टायर फोर से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टायर फोर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये टेस्ट होते हैं कैसे, पूरा प्रोसेस इसमें समझाया गया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा ये जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है टायर फोर का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का।
ये थी पूरी जानकारी टैब 4 से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।